राजा जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा करता है और प्रतिबंधपुरम के जो जितने थे उसमें तो 70 टाइगर रहते हैं उनका वो शिकार कर चुका होता है, उन 70 टाइगर को वो मार चुका होता है और उनकी जो खाल है उसको बड़े ही अच्छे आराम से अपने राजभवन में चारों तरफ लगा के रखता है और बहुत शान समझता है कि मैंने 70 टाइगर की शिकार किया। अब क्या होता है कि वहां पर बाघ बचते ही नहीं है, अब क्या हो, तो फिर से दीवान को बुलाता है, कहता क्यों दीवान ये बंदूक देख रहे हो। दीवान डर जाता है, कहता महाराज मैं बाघ नहीं हूँ, आप मुझे मत मारो। तो बोले मैं तुम किस बेवकूफ ने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो शादी करने वाला हूँ। दीवान फिर डर जाता है, बोलता महाराज मेरी ऑलरेडी 2 शादियां हो गई है, मेरे 3 बच्चे हैं, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो बोलता किस बेवकूफ ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम एक काम करो ऐसे राज्य में जाओ जहाँ बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहाँ टाइगर ज्यादा है, उस देश की राजकुमारी को ढूंढो, मैं उस देश की राजकुमारी से क्या करूंगा, शादी करूंगा। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कितनी मजेदार बात कि वो सिर्फ शादी इसलिए करना चाहता है जहाँ ज्यादा बाघ हो, ज्यादा बाघ होंगे तो उनको वो मार करके अपना स्कोर पूरा करना चाहता है। तो दीवान भी ऐसे करता है, जिस देश में ज्यादा बाघ रहते हैं जिस जंगलों में, वहां की राजकुमारी से उस टाइगर किंग की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मामला रुकता नहीं है, अब क्या करते हैं, अब ये उस देश के भी राजकुमार कहलाने लगे, दामाद कहलाने लगे। तो ये उस देश में भी जाते थे और 5-6 बाघ, जितनी बार वो राजा अपनी ससुराल जाए उतनी बार 5-6 बाघों का शिकार करके वापस आ जाता था। ऐसा करते करते वो दिन भी आया कि जब उसने कितने बाघों का शिकार कर लिया, 99 बाघों का, कितने टाइगर मार डाले उसने, 99 टाइगरों का शिकार कर लिया। जब 99 टाइगर का शिकार कर लिया, अब क्या हुआ, अब वहां भी बाघ सारे समाप्त हो गए। अब राजा को तो अंदर से जैसे ही अपन किसी परिणाम की तरफ पहुंचते हैं तो क्या होता है, अपनी उत्सुकता और जो व्याकुलता है वो बढ़ जाती है। ऐसे राजा को रातों में नींद नहीं आती थी कि 99 बाघ तो मैंने मार डाले, लेकिन अब वो जो 100वां बाघ है वो कहाँ मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। तो वो हर अधिकारियों की नौकरी से निकालता रहता, जाओ एक बाघ ढूंढ के और लाओ, जाओ पता करो कहाँ बाघ है। ऐसे कर करके जितने ऑफिसर उसके राज्य के अंतर्गत रहते हैं, जो मंत्री रहते हैं, वो तक अपनी नौकरियां खो देते हैं, लेकिन उनको 100वां बाघ नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद एक बार घोषणा होती, समझ में आता है कि अरे एक क्षेत्र है वहां पर भेड़ें गायब होती जा रही हैं। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है कि उस जंगल से भेड़ें गायब हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, वहां कोई ना कोई ऐसा जंगली जानवर तो है जो भेड़ों को खा जाता है, इसका मतलब वहां टाइगर भी होना निश्चित होगा। तो राजा क्या करता है, अपना शिकार करने के लिए वहां डेरा डाल लेता है। कई दिन तक डेरा डाले रहता है, लेकिन इसके बाद भी इसको कोई टाइगर दिखाई नहीं देता। तब वो फिर क्या करे, फिर दीवान को बुलाता है, फिर उसकी क्लास लेता है, जाओ मुझे कहीं से भी 100वां टाइगर चाहिए, यदि मुझे 100वां टाइगर नहीं मिला। दीवान कहता महाराज, तो कहता मैं तुम्हें एक बाघ की खाल में लपेट करके और तुमको गोली मार दूंगा। जब इतना धमकी सुनता है दीवान तो बहुत ज्यादा डर जाता है, सोचता है कि अब क्या करे। तो उसको याद आता है कि मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से वो क्या लेके आता है, एक बाघ लेके आता है, एक बूढ़ा बाघ को वो लेके आता है जो उसके घर में रहता है। तो उसकी बूढ़ी पत्नी इसको एक मतलब समझाइश देती कि क्यों ना इस बाघ को हम कार में डाल करके और कहाँ छोड़ दें, उस जंगल में जहाँ राजा है, राजा उसको देख के साथ गोली मार देगा, 100 टाइगर हंट करने का उसका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा और हम भी बच जाएंगे। तो क्या करते हैं उन लोग, ऐसे ही करते हैं, रात में जो दीवान है वो अपनी कार पर उस बूढ़े बाघ को पीछे की सीट पर लिटाता है, खुद कार चला करके कहाँ पहुंचता है, जहां राजा शिकार करने के लिए जंगल में डेरा डाला रहता है, और उस बाघ को ले जाकर के जैसे गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वो बाघ भी इतना बूढ़ा और इतना शिथिल हो जाता है कि वो हिलता ही नहीं है। तो उसको जबरदस्ती खींच करके वो जंगल में डालता है वहां पर, और जंगल में डालने के बाद कहता महाराज देखिए 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 वो 100वां बाघ जा रहा, वो 100वां बाघ जा रहा। महाराज कहते हैं मंत्री पहले सारे सिपाहियों को बुलाओ। आप सिपाही को क्यों बुला रहे हैं, आप तो टाइगर किंग हैं, आप तो वैसे ही इसको मार के खत्म कर देंगे। बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में जब मैं इस 100वें बाघ को मारूं तो इसका शानदार जलूस निकलना चाहिए, इसकी शानदार फेरी होना चाहिए, मेरे राज्य में लोगों को पता चले कि राजा ने अपने मृत्यु के सबसे बड़े कारण 100वें बाघ को भी मार डाला है। राजा गोली का निशाना बना के चलाता है, गोली जैसे ही उसकी उससे बंदूक से छूटती है, बाघ जो है वो गिर जाता है।
राजा सोचता है कि उसने सौवें बाघ को मार डाला और फिर वो वापस अपने राज्य में आ जाता है। इधर जब अधिकारी कर्मचारी शिकारी लोग देखते हैं कि इसका जुलूस निकालना है, तो वो बाघ कैसा रहता है, जिंदा रहता है और सांसें चलती हैं उसकी, तो वो समझते हैं कि ये राजा की गोली से नहीं मरा। और वो क्या करते हैं कि अगर अब दोबारा राजा को बताएंगे तो राजा फिर से हमारे प्राण ले लेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे। तो कहते चलो अपन राजा को हल्ला नहीं करते, क्या करते हैं अपन इसी को खुद से मार डालते हैं। तो एक शिकारी एक फुट दूर से उससे गोली चला के उस बाघ को मार डालता है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, राजा ने एक्चुअल में कितने टाइगर मारे, 99, और राजा सोच क्या रहा है कि उसने कितने टाइगर मारे हैं, 100, क्योंकि जो 100वां टाइगर था वो राजा के हाथ से मरा ही नहीं था। तो अभी यहाँ इसका स्कोर, राजा का एक्चुअल स्कोर होता है 99, और राजा के मन में जो स्कोर क्या हो रहा है कि मैंने 100वें टाइगर को मार डाला। अब क्या होता है कि जैसे सौ, वो राजा को तो बताते नहीं है, तो उसके पूरा शाही जुलूस निकलता है कि राजा ने 100 टाइगर को मार डाला। ये कह के मामला यहीं का यहीं समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि इस 100 टाइगर के शिकार के चक्कर में राजा अपनी जो फैमिली लाइफ है, जो अपना राज्य शासन है, राजभार जो कार्य है, उसको बिल्कुल भूल जाता है, बहुत अच्छे से नहीं चला पाता। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र का जन्म, एक राज उसका जो पुत्र रहता है उसका तीसरा जन्म दिवस रहता है, कौन सा रहता है, तीसरा जन्म दिवस रहता है उसके पुत्र का। तीसरे जन्म दिवस जब उसके पुत्र के पड़ता है तो राजा को अपने पुत्र पे बहुत प्यार आता है, अब वो थोड़ा फ्री हो जाता है इन सब चीजों से, तो वो सोचता है मेरे पुत्र का जो जन्मदिन है वो बहुत शान से मनाना चाहिए, तो बहुत भारी उत्सव की तैयारियां होने लगती है। अब राजा ये सोचता है कि मेरे पुत्र के पास तो सब कुछ है, मैं ऐसा कौन सा उपहार दूं उसको, तो वो प्रतिबंधपुरम की सारी दुकानों को छान मारता है, उसको कहीं भी एक भी कोई भी जो उपहार वो पसंद नहीं आता। अंत में वो एक लास्ट की एक दुकान पर जब जाता है तो वहां देखता है कि उसको लकड़ी का बना हुआ जो टाइगर है, वुडन टाइगर जो है, वो बहुत पसंद आता है लकड़ी का। तो लकड़ी का टाइगर उसको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। अब एक्चुअल में दुकानदार से पूछता है कि कितनी कीमत है, तो दुकानदार सोचता है यदि मैंने बोला कि इस महाराज इसकी कीमत जो है 2.25 पैसे है, 2.25 आना है, तो राजा को ये चीज बहुत मामूली लगेगी। तो क्या करता है, तो कहता है महाराज आपकी कृपा से ये बहुत बड़े कारीगर के द्वारा निर्मित एक बहुत नायाब कृति है और इसकी कीमत मात्र कितनी है, 300 रुपए। कितनी बताता है, 300 रुपए बताता है, इसकी कीमत मात्र 300 रुपए है। राजा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहती 300 रुपए, वो भी सोचता हाँ सही बात है, ये कोई बहुत अच्छा विशेष रूप से बना हुआ टाइगर है। कहता ठीक है इसको मेरे बच्चे के लिए इस टाइगर को पैक कर दो। तो वो लकड़ी का टाइगर जो है वो लेकर के अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आता है और अपने बच्चे के साथ उस लकड़ी के टाइगर के साथ खेलने लगता है, क्योंकि वो जो खिलौना जो लकड़ी का रहता है वो एक किसी अकुशल कारीगर ने बनाया रहता है, मतलब वो बहुत दक्ष कारीगर नहीं रहता जो इस खिलौने को बनाता है, तो उसके कारण जो लकड़ी को वो अच्छे से चिकना नहीं करता है, तो लकड़ी के जो रेशे रेशे रहते हैं ना वो राजा के दाएं हाथ के अंगूठे में गड़ जाते हैं। खेल खेल में राजा दाएं हाथ के अंगूठे से उस रेशे को निकाल करके और फिर से खेलने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसके कारण उसके पूरे शरीर में उसके हाथ से होते हुए इन्फेक्शन फैल जाता है और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके कारण राजा को बहुत तकलीफ होने लगती है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना कि लकड़ी का टाइगर जरूर है, राजा ने एक्चुअल में मारे 99 टाइगर, और ये कहला गया 100 यानी 100वां टाइगर कहला गया। इस के कारण राजा को जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो मद्रास से बड़े कुशल चिकित्सक बुलाए जाते हैं, वो क्या करते हैं राजा का ऑपरेशन करते हैं। जब राजा का ऑपरेशन करते हैं और बाहर निकलते हैं तो कहते हैं चलो बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम राजा को नहीं बचा पाए, अर्थात राजा की मौत हो जाती है। तो यहाँ एक्चुअल में वो जो 100वां टाइगर जो लकड़ी का रहता है उसके द्वारा किसकी मृत्यु होती है, टाइगर किंग की मृत्यु होती है। तो बच्चों ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द टाइगर किंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।